विधानसभा स्थगित होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि यह बड़े दुख की बात है कि विधानसभा सत्र नहीं चलेगा। विधानसभा हमारे संविधान का बहुत बड़ा अंग है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने विधानसभा सत्र न चलने पर कहा कि ये हम लिखकर कैसे दे सकते हैं। विधानसभा सत्र केवल पक्ष के लिए नहीं है, विधानसभा विपक्ष के लिए भी है। विधानसभा हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा अंग है और मुझे बहुत दुख है कि विधानसभा नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि हमने समितियां बनाए जाने की मांग रखी है जिसमें 3 से 4 विभागों को जोड़ा जाएगा। हमारे विधायक उन्हें प्रश्न दे सकते हैं और इसे स्वीकार भी किया गया है। कमलनाथ ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब भी कोई चुनाव आता है तो मोदी पाकिस्तान की बात करते हैं, मन की बात करते हैं। मोदी किसानों से टकराने गए हैं, सदा सबक सीखेंगे। सदन में हमारी हो, हम कैसे लिख के दे सकते हैं? विधानसभा पक्ष के लिए ही केवल नहीं है, विधानसभा विपक्ष के लिए है। ये हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा अंग है। तो मुझे दुख है कि विधानसभा नहीं चलेगी, पर हमने ये मांग रखी है जो उन्होंने स्वीकार करी है कि समितियां बनाई जाएंगी हर 2-3-4 विभाग को जोड़ के, और हमारे जो विधायक हैं वो उनको प्रश्न दे सकेंगे और वो अलग करी जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।